तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इंडिया की पांच ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने की इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कमाई की है। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है फिल्म जवान। जी हां, शाहरुख खान की यह फिल्म 2023 के अंदर रिलीज हुई थी जिसने की 640 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1160 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं इसके बाद नंबर 4 पर है KGF 2। 2022 में रिलीज हुई यश की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को चीर डाला था। जी हां, जिसके कारण इस फिल्म ने इंडिया के अंदर 859 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1220 करोड़ की कमाई की। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर है RRR। SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी और जूनियर NTR और रामचरण द्वारा स्टारर इस फिल्म को ओवरसीज के अंदर भी बहुत पसंद किया गया, जिसकी वजह से RRR का इंडिया से इनका नेट कलेक्शन रहा 782 करोड़ का। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1387 करोड़ की कमाई की। वहीं इसके बाद नंबर 2 पर आती है फिल्म बाहुबली 2, जिसको भी वैसे SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था। और वहीं फिल्म में मेन लीड रोल था प्रभास और राणा दग्गुबाती का। इस फिल्म को वैसे इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके कारण इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया के अंदर 1030 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। जी हां, भारत की पहली फिल्म है जिसने की 1000 करोड़ का कलेक्शन सबसे पहले किया था। वैसे बाहुबली ने वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही हम जाते हैं नंबर 1 की फिल्म पर। तो नंबर 1 पर है फिल्म दंगल। जी आमिर खान की फिल्म दंगल इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने की सिर्फ इंडिया से 387 करोड़ कमाए थे। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दंगल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कमाए 2070 करोड़। जी दंगल भारत की पहली फिल्म है जिसने की 2000 करोड़ का क्लब स्टार्ट किया है। तो गाइस, ये थी इंडिया की पांच ऐसी फिल्में जिन्होंने की सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। वैसे आपको इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।